हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडल टॉक्स। तो आज मैं आ गई हूँ दुर्गा पूजा 2020 मेकअप लुक लेके, जो कि ये है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। लेकिन इसके पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे। चलिए वीडियो पे। सबसे पहले मैं प्राइमर लगा लूँगी अपने फेस पे, पूरे फेस पे मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी। मेकअप के पहले प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चेहरे पे कोई भी पोर्स या पिंपल्स या रिंकल्स हैं तो वो आपके फेस को इससे प्रोटेक्ट करता है, प्लस कवर करता है। अब मैं वहाँ NYBay का फाउंडेशन स्टिक यूज़ करूँगी अपने फेस पे, ये मेरे ही शेड का है। अगर आप कोई भी बेस अप्लाई कर रही हैं तो कोशिश करिए अपने ही शेड का फाउंडेशन लेने के लिए। इससे आपका फेस इवन लगेगा एंड प्लस लाउड भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे आँखों के नीचे सब जगह सारे फाउंडेशन स्टिक को अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके फाउंडेशन को फेस पे अच्छे से सेट कर दूंगी। यहाँ पूरे सेट पे मैं अच्छे से सेट कर लूंगी फाउंडेशन को। यहाँ पे नेक पे भी मैंने अप्लाई किया है, नेक को भी अच्छे से फाउंडेशन के साथ सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इवन लगे। यहाँ फाउंडेशन अच्छे से मेरे फेस पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं कॉम्पैक्ट से अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ आपको। कॉम्पैक्ट पूरे फेस पे मैं सेट कर लूँगी। बेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बेस परफेक्ट रहेगा तो उसके ऊपर आप कुछ भी करें तो वो अच्छा लगेगा, खिल के उभर आएगा। अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आईब्रो को करना। अगर आप आईब्रो को अच्छे से फिल करती हैं, अच्छे से डेकोरेट करती हैं आईब्रो को, तो आपका मेकअप और खिल के आएगा। यहाँ पे मैंने अपने दोनों आईब्रो को सेट कर लिया है। मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है। यहाँ देखिए मेरा आईब्रो हो चुका है। अब मैं एक ब्रश की मदद से अच्छे से आईब्रो को ब्रश कर दूंगी ताकि अच्छे से जो पाउडर मैंने उस पर लगाया है वो अच्छे से मिल जाए। यहाँ मेरा आईब्रो डन हो चुका है। अब मैं एक कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे से 3-4 शेड नीचे है, ये भी NYBay का ही है। आप चाहे तो और डार्कर शेड भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोर जितना डार्क हो उतना अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अपने चिन के नीचे प्लस जॉ लाइन पे यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर कर रही हूँ। अब मैं नाक के भी साइड में अपना यूज़ करूँगी। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको भी अच्छे से डैप डैप कर दूंगी। देखिए एक अच्छा कट आ गया है फेस पे इससे। ऐसे हमारी नोज भी थोड़ी पतली लगेगी। अब मैं यहाँ कंसील के लिए लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नाक के बीच में कंसील कर रही हूँ और अपने आँखों को नीचे थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे से 3-4 शेड ऊपर है। तो मैं उसको भी अच्छे से डैप डैप करके मिला दूँगी पूरे फेस पे, मतलब जहाँ जहाँ मुझे कंसील करना है।
यहाँ पे हमारा कंसील प्लस कॉन्टोर हो गया है। अब मैं फिर अच्छे से कॉम्पैक्ट से सेट कर दूंगी। पूरा बेस अब हमारा रेडी हो चुका है। अब बेस को एक बार सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ क्याकी ना लगे। अब यहाँ पे मेरा सेट हो चुका है, मेरा बेस रेडी हो चुका है। अब मैं आईब्रोज पे जाऊँगी। मैंने यहाँ पे लाइट हल्का गोल्डन शेड यूज़ किया है आईब्रो के लिए। अब मैं गोल्डन शेड को लेके अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर दूँगी। ऐसे ही मैं अपने दोनों आंखों पे अप्लाई करूंगी। अब मैं यहाँ पे ब्लैक शेड यूज कर रही हूँ कॉर्नर में एक इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे मेरा दोनों आईज डन हो चुका है। अब मैं आईब्रो के नीचे हाईलाइट करूँगी प्लस आईज के कॉर्नर पे हाईलाइट करूँगी। अब मैं आईलाइनर यूज करूँगी। मैं यहाँ थोड़ा विंग आईलाइनर बना रही हूँ। यहाँ मैंने दोनों अपने आँखों में आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं नीचे आँखों के नीचे काजल अप्लाई करूँगी। अब मैं एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए लाइट गोल्डन शेड अपने आँखों की आईबॉल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक अच्छा शेड आए। अब मैं उसको भी अच्छे से मिला दूंगी। अब यहाँ पे मैं उसी मेकअप पैलेट से ही पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए। अब मैं ऊपर वाला शेड यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए अपने ब्लश के ऊपर। आप प्लस नोज टिप पे हाईलाइट करूंगी मैं। मैं ब्रश से मिला दूंगी। अब आईज़ की लास्ट प्रोसेस मस्करा में यूज़ करूँगी उसमें, फिर हमारा आई मेकअप डन हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो आई लैशेज भी अप्लाई कर सकते थे, मैंने आई लैशेज नहीं अप्लाई किया। अब मैं लास्ट में एक मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ।
यहाँ मेरा लिपस्टिक भी अप्लाई हो चुका है और मेरा लुक रेडी हो चुका है दुर्गा पूजा के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरीज प्लस साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए।